विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार को जब कॉलेज खोले तो नव निर्वाचित छात्र नेता और उनके समर्थक छात्रों में खासा जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। दूसरी तरफ आपका अपना छात्र संघ द्वारा दिल्ली के कॉलेजों के बाहर जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर छात्रों के साथ रायशुमारी करने का अभियान भी जारी रहा। दिल्ली के अशोक विहार में स्थित सत्यवती कॉलेज के बाहर छात्र संघ की टीम छात्रों से संवाद करने पहुंची। यहां मौजूद छात्रों से जाति व्यवस्था को लेकर छात्र संघ की टीम ने उनसे रायशुमारी की। इनमें कुछ छात्र ऐसे भी थे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीतने वाले छात्र भी मौजूद थे। उनसे भी छात्र संघ की टीम ने संवाद किया। टोटल खबरें द्वारा लगातार आपका अपना छात्र संघ के अभियान को कवर कर रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना मौके पर जाकर छात्रों से बात की। छात्र जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? जब इस बारे में छात्रों का पक्ष जानने का प्रयास किया, आइए देखते हैं। इस विशेष रिपोर्ट में हमारे संवाददाता ने जब छात्रों से बात की, सुनिए छात्रों ने क्या कहा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ का जो है जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर अभियान जो है कि अब लगभग जो है कि चरम पर ही है। अब ये अभियान जो है कि केवल 2 या 3 दिन का ही बचा हुआ है। आज ये अभियान जो है कि इनका सत्यवती कॉलेज के बाहर जो है कि छात्रों के साथ छात्र संघ की टीम ने जो है कि संवाद किया और हम भी इनके अभियान को जो है कि लगातार शुरू से कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अगस्त से ये अभियान जारी है और आज जो है कि इनका अभियान जो है कि लगभग जो है कि 1 महीना हो गया है। और इस अभियान को कवर करते हुए हमने भी जो है कि छात्रों से बात करी है और छात्रों का यही कहना है कि हाँ, भी जात पात जो है कि समाप्त होना चाहिए। और कुछ जो कहते हैं कि नहीं भी, ये हमारी पहचान है। तो सबके अपने अपने विचार थे, सबका अपना अपना मानना था। तो मौके पे मौजूद जो है कि हमने भी जो है कि कुछ छात्रों से जो है कि बात करनी चाहिए कि ये जो आपका अपना छात्र संघ की मांग को लेकर वो कितना सहमत है, क्या सोचते हैं कि जात पात खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में छात्रों ने जो है कि हमारे से बातचीत के दौरान अपने विचारों में क्या कहा। आपका नाम क्या है? ओम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सत्यवती महाविद्यालय में सेकंड ईयर में हूँ मैं। सेकंड ईयर में? अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संघ जो कह रहा है कि कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, कास्टिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे लिए कुछ भी ऐसे नहीं है कि हर कोई अलग है, मेरे लिए सब एक बराबर है। ना कोई गरीब ना कोई अमीर, कोहली में हर कोई पढ़ने आता है। कोई ये तो देख के आता नहीं है कि ये अमीर है तो मैं कोहली नहीं जाऊँगा, कोई गरीब है तो वो ये सोचेगा अमीर कोहली जा रहा है मैं क्यों नहीं जा सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज है जिधर अमीर से लेकर गरीब हर कैसा बच्चा पढ़ता है कोहली में। इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसी चीज़ भी प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें गरीब अमीर ना देखकर हर कैसा बच्चा पढ़ता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा बहुत आगे तक जाता है। और ऐसी मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना किसी में भेदभाव करके सबको एक समान देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तो आपके हिसाब से जात पात खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो आपने सत्यवती चुनाव भी लड़ा, तो आप विजय हुए हैं क्या? कौन से पद पे लड़े थे आप? जॉइंट सेक्रेटरी पे जीत हुई है, वो भी निर्विरोध। अच्छा, निर्विरोध। हाँ जी, बहुत बताइए। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षाद हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड ईयर में बीए प्रोग्राम का छात्र हूँ। जी, एज़ ए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पे जो पहले की चीज़ें थी वहाँ पे कि पहले बहुत ज़्यादा था ये सब चीज़ें, अब बिल्कुल कम हो गई है। सरकार ने बहुत चीज़ें वैसे भी लागू कर चुके हैं, बहुत सारे कोटा होते हैं, वो इसलिए लगे जाते हैं क्योंकि कॉलेज में सब बच्चे इक्वल हो सके। पढ़ाई का मतलब इक्वलिटी होता है, ना कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करें उसमें। तो मेरा तो यही मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए और कास्टिज्म जो है वो खत्म होना चाहिए। और कुछ नए नए रूल्स जो अभी पहले आए थे वो भी सक्षम रहे हैं और नए भी आए वो भी सक्षम रहे। अच्छा, क्या इसकी कानून बन जाना चाहिए क्या जातपात जब खत्म हो कोई इस्तेमाल ही ना कर सके? मेरा इस बात पर यह कहना है कि पहले भी हमारे कोटा का बना हुआ है, आपने देखा हुआ कास्टिज्म के ऊपर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। लोअर क्लास वाले बच्चे अपना अच्छा जो पाते हैं आगे आते हैं बढ़कर, तो इक्वालिटी आती है पूरे उसमें। तो नए कानून बनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही होगा। आपके पास जात पात खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए और इससे चीज में समर्थन में। आपका नाम क्या है? कुणाल वैसला। अच्छा, कुणाल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संघ जो है कि कहते हैं कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, जात पात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोई जात वात नहीं है इसमें, सब भाईचारे से रहेंगे, बस प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई जात वात नहीं है इसमें। तो क्या सत्यपति से आप इलेक्शन भी लड़े थे? हाँ जी, इलेक्शन लड़े, पोस्ट आए सीसी के लिए। अच्छा, हमारे सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा। अच्छा, तो आप जीत गए? आप हाँ जी जीत गए। अच्छा अच्छा, कास्टिज्म क्या खत्म होना चाहिए वैसे? कास्टिज्म खत्म होना चाहिए जी। अच्छा, जात पात खत्म होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या कानून बनना चाहिए? इसका जो है कानून बनना चाहिए जी, कास्टिज्म जो खत्म हो जाए बिल्कुल।
जैसे खत्म करो कास्टिज्म को, आपस में रहो सब भाईचारे से, यही है बस। आपका नाम क्या है? मलिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आपका अपना छात्र संघ कह रहे हैं जात पात खत्म होना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं जात पात को लेकर? जी खत्म कर दो, बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कुछ नहीं होगा। अच्छा, बर्बाद होगा देश और कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर कानून बनना चाहिए जात पात पे? कानून की बात क्या बनना चाहिए, कानून ये होना चाहिए कि जात पात होनी नहीं चाहिए, आराम से सुकून से रहो जो रह रहा है, बात ये खत्म। आपके हिसाब से खत्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएगी? सब इक्वल ही है, हम तो आज भी इक्वल है, भाई ये देखो मेरे साइड में खड़ा है, सारे भाई हैं यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं करता। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे देश में कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन है तब तक कास्टिज्म खत्म नहीं होगा। जो रिजर्वेशन है उसे कास्ट के बेस पे ना करके उसे फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे कर देना चाहिए। तो आपके हिसाब से आर्थिक आधार पर होना चाहिए? हाँ, मतलब जो गरीब है उसको पहले प्रेफरेंस, तो जात पात खत्म होना चाहिए, जात पात उससे खत्म होने के बहुत चांसेस हैं। और अच्छा, क्या इस पर कानून बनना चाहिए? हाँ, कानून बनना चाहिए। आपका नाम क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड ईयर सत्यवती महाविद्यालय का छात्र हूँ, विष्णुदेव पांडे। आपका नाम क्या? मैं संदीप किशोर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा मास्टर फर्स्ट ईयर है। अच्छा, देखना आपका अपना छात्र कह रहा है कि कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, तो क्या सोचते हैं जात पात को लेकर आप, खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कास्टिज्म बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और जो कास्टिज्म का आधार था, कास्टिज्म का वर्ण व्यवस्था से बिलोंग करता है, कास्टिज्म बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो क्या इसके ऊपर कानून बनना चाहिए जात पात के ऊपर? कानून कास्टिज्म बनाने वाले ही कानून बनाते हैं, ठीक है, कास्टिज्म बनाने वाले, जाति व्यवस्था बनाने वाले ही कानून बना रहे हैं, तो बनाना तो चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। कास्टिज्म क्या, एक देश एक भारत, जैसे एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वैसे वन नेशन वन कास्ट की बात होनी चाहिए। तो मतलब है कि आपके हिसाब से पूरी तरह जात पात खत्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वन नेशन वन कास्ट वन रिलीजन होना चाहिए।